मेरा नाम यशोदा है, मैं संस्कार केंद्र चलाती हूँ, एकलव्य संस्कार केंद्र। ये माता राम रखी सनातन धर्म बाल मंदिर स्कूल से। आप एकलव्य संस्कार केंद्र में क्या करती हैं? बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको यानी संस्कार की बातें सिखाती हूँ, और कैसे रहना चाहिए, बोलना चाहिए, बड़ों से बोलने का तरीका, अपने घर में मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, और यानी यही सब बातें मैं सिखाती हूँ उनको। और हिंदी पढ़ना सिखाती हूँ, कुछ बच्चों को बिल्कुल ही हिंदी नहीं आती थी तो अब धीरे धीरे पढ़ना सीख गए हैं, और डिक्टेशन यानी सुलेख बोलती हूँ बच्चों को, जो कि बिना देखे लिखते हैं अपने आप से। यह हैं यशोदा जी, विद्या भारती द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य संस्कार केंद्र की संचालिका। आज़ादपुर की रेलवे क्रॉसिंग सेवा बस्ती में इस एकलव्य संस्कार केंद्र का संचालन विद्या भारती के एक विद्यालय माता राम रखी सरस्वती बाल मंदिर महेंद्र इनक्लेव आज़ादपुर द्वारा किया जा रहा है। देश भर में इस तरह के हजारों संस्कार केंद्र विद्या भारती के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, जो समाज के उस वर्ग में शिक्षा एवं संस्कार को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जो अभावग्रस्त है तथा जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस परिवेश में विद्या भारती के ये संस्कार केंद्र काम कर रहे हैं, जब हम उस परिवेश को देखते हैं तो यह विद्या भारती के इन कार्यों को असाधारण बना देता है। विद्या भारती अपने उपलब्ध संसाधनों से ऐसे संस्कार केंद्रों को चलाकर समाज निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य को कर रहा है। रेलवे क्रॉसिंग आज़ादपुर सेवा बस्ती में विद्या भारती के विद्यालय माता राम रखी सरस्वती बाल मंदिर द्वारा चलाया जा रहा एकलव्य संस्कार केंद्र इस सेवा बस्ती की बालक बालिकाओं को न सिर्फ रास्ते से भटकने से रोकता है, बल्कि उनके अंदर शिक्षा एवं संस्कार भरकर एक स्वच्छ एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण ये संस्कार केंद्र कर रहे हैं। माता राम रखी सरस्वती बाल मंदिर की अध्यापिकाएं संतोष पराशर एवं तौलीन कौर भी एकलव्य संस्कार केंद्र को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे विद्यालय में एकलव्य संस्कार केंद्र जो चलता है उसमें प्रभारी आचार्य का दायित्व हम दोनों बहनें निभाती हैं। प्रभारी आचार्य के रूप में हमारा दायित्व रहता है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन हमें अधिकारियों से मिलती है, जो भी हमें गाइड किया जाता है, वही हम आगे उनको फॉलो करते हैं। हम डेली उनके टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट रहता है, समय समय पर हम उनका विजिट भी करते हैं, जाके बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के परिवार से मिलते हैं। हमारा ही दायित्व रहता है कि हम उनका दक्षता वर्ग भी समय समय पर लेते हैं। विद्या भारती एवं उसके विद्यालय माता राम रखी सरस्वती बाल मंदिर एवं उसके आचार्यों के कठिन परिश्रम से इस सेवा बस्ती के नौनिहालों के पवित्र मन मस्तिष्क में संस्कार प्रफुल्लित हो रहा है। आइए माता राम रखी सरस्वती बाल मंदिर के मुख्य अध्यापिका
नीलम पटियाल एवं विद्या भारती दिल्ली प्रांत संस्कार केंद्र के प्रमुख नरेंद्र दत्त जी से जानते हैं कि संस्कार केंद्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। अपने विद्यालयों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो स्कूल की फीस नहीं पे कर पाते और वो अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, उसके लिए विद्या भारती ने संस्कार केंद्रों की व्यवस्था की है और जितने विद्या भारती के अंतर्गत विद्यालय चल रहे हैं उन प्रत्येक विद्यालय के जिम्मे एक या दो संस्कार केंद्र और कुछ कुछ विद्यालयों के द्वारा 3 या 4 से संस्कार केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहाँ बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उन्हें शिक्षा अक्षर ज्ञान के साथ साथ कैसे अच्छे संस्कार देने हैं। जैसा कि मेरे ठीक बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि विद्या भारती का जो लक्ष्य है वही हमें बता रहा है कि हमारे यहाँ पर दो प्रकार की जो है शिक्षा व्यवस्था हम कराते हैं, एक तो अपने विद्यालयों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा, लेकिन समाज का ऐसा वर्ग जो किसी कारण से जो है वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, वंचित है, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकता है, वनवासी क्षेत्र में भी हो सकता है और दिल्ली जैसे महानगरों में नगरीय क्षेत्र में भी हो सकता है, तो उनमें जो है शिक्षा और संस्कार कैसे पहुँचाएँ, तो ये उसका जो अनौपचारिक शिक्षा है वही हमारे बाल संस्कार केंद्र के रूप में हम जो है बच्चों को यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। विद्या भारती संस्कार केंद्रों के माध्यम से अपने 6 प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रख के इन केंद्रों को चलाती है। इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चों को साक्षर करना अर्थात शिक्षित करना। दूसरा महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है वो है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक करना। तीसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है भारत की गौरवशाली संस्कृति से बच्चों का परिचय कराना। इसके साथ साथ बच्चे और वहाँ बस्ती में रहने वाले बंधु भगनी उनमें भी स्वावलंबन कैसे आए, इसके लिए भी हम समय समय पर अभियान चलाते हैं। और हमारा छठा और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इसका प्रमुख उद्देश्य भी है वो है उस बस्ती में सामाजिक रूप से समरसता आए और वो बस्ती में किसी प्रकार का भेदभाव खत्म हो और किसी प्रकार की जो वहाँ पर व्यसन है दुर्व्यसन उससे भी जो है वहाँ के बंधु भगनी वो दूर हों, इसके लिए हम समय समय पर उन बच्चों के अभिभावकों के साथ परिवार प्रबोधन के कार्यक्रम भी करते हैं और उनसे जो है हम फीडबैक लेते हैं कि इन केंद्रों में आने के बाद उन बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आए।